हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग के संबंध में एक लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का जो है काफ़ी कम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कर रखा है, तो वेटिंग लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी इसके लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जिनका एक दो नंबर कम है तो उनका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा यहाँ पर आने का। तो BA TT अभ्यर्थियों के लिए जो है अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जिनका एक दो नंबर से रुका है उनका सिलेक्शन होना तय है। और ये भर्ती आपकी बैकलॉग के तहत जो आपका 18-19 में यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया चली हुई थी उसकी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है और जल्दी यहाँ पर आपके आ जाएगी। चलिए जानते हैं कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर कर रखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि काउंसलिंग में जो यहाँ पर नहीं पहुँचे 25 अभ्यर्थी, तो 70 पदों के लिए यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट जारी करेगा था और उनमें से जो है 25 अभ्यर्थी जो है अपनी काउंसलिंग के यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। यानी कि अब आपके जो है पोस्ट हैं 25 अभ्यर्थी की जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी और ये भर्ती आपके TT बेस पर 2018-19 का है, जो आपके यहाँ पर 430-435 प्लस पोस्ट यहाँ पर थी, तो उनका यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ था, आप लोगों ने चेक किया होगा। तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात है ये, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आप एक बार काउंसलिंग जरूर, जो लिस्ट आई थी आप जरूर चेक कर ले पुराने वीडियोस में आकर, तो उसके अनुसार अगर आप लोग देखोगे तो लगभग जो है एक या दो नंबर आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन होने से थोड़ा बचा हुआ था, बाउंड्री लाइन पर थे, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाएगा BA TT अभ्यर्थियों का, क्योंकि यहाँ पर TT बेस पर आपके सिलेक्शन थे, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है DLED अभ्यर्थी कम ही थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है BA TT वाले ही ज़्यादातर थे, DLED वाले काफ़ी कम लोग थे और DLED वालों का ऑलरेडी हो भी चुका है सभी का, तो यहाँ पर TT वालों का ही नंबर आपका आना है, क्योंकि TT वालों के बेस पर रखा जाएगा। अब इन पदों पर खाली पदों को भरने के लिए जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी और नियमानुसार जो है लगभग जो है आपके 70 यहाँ पर अध्यापक थे, इनमें से 45 की यहाँ पर जो है सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है यहाँ पर विभिन्न राजकीय विद्यालय में जो है नियुक्ति के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। तो 70 में से 45 की यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है, बचे आपके 25 पोस्ट हैं उसकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और फिर उसके बाद स्कूल आवंटन वहाँ पर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इनका यहाँ पर रिक्त रहने का कारण ये है, क्योंकि आपको बताया कि विभाग जो है हर एक ज़िले में अलग अलग जो है लिस्ट निकाल रहा है, जिससे जो है अभ्यर्थियों की संख्या बार बार सेम निकल के आ रही है, तो इन 25 अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जो है अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है अपनी काउंसलिंग यहाँ पर करा रखी होगी, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी वेटिंग निकली है। और वहीं यहाँ पर देखते हैं कि जो नव नियुक्त यहाँ पर अध्यापक होंगे 15 दिन के भीतर जो है आवंटित विद्यालय में जो है कार्यभार ग्रहण करने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस अवधि में जो है कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक की नियुक्ति स्वतः यहाँ पर निरस्त हो जाएगी। अगर 45 में से अगर इन किसी ने भी यहाँ पर 15 दिन के भीतर अपनी नियुक्ति स्थान यहाँ पर ग्रहण नहीं किया तो उनमें से भी यहाँ पर उनका जो नियुक्ति नहीं होगी, उसके इसके बाद भी वेटिंग लिस्टें आपके आएगी। कई लोग जो है छोड़ देते हैं, कई लोग दिक्कत करते हैं और कई लोग जो है दुर्गम क्षेत्र को लेकर, जैसे फीमेल्स होती है तो काफ़ी लोग जो है फीमेल वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। दुर्गम में यहाँ पर इनकी तैनाती होनी है, तो मेरिट सूची में जो अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकांश जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनकी जो है दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में जो है पहली तैनाती यहाँ पर दी गई है और विद्यालय में जो है अधिकतर जो है वहाँ वह जो है आवंटित किए गए हैं जहाँ एक ही अध्यापक रह गए थे। तो यहाँ पर देखते हैं वहीं पर इनको तैनाती कर रही है जो नए नवनियुक्त नव शिक्षक हैं, तो जिनका यहाँ पर कहीं पर एक शिक्षक था या कहीं पर दो शिक्षक थे प्राइमरी में, तो उन वहाँ पर कर रखा है और मेनली जो है सभी को दुर्गम इलाकों पर ही जो है इनकी तैनाती कर दी गई हुई है। तो देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट वाले के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि जब भी इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी आपके दिवाली का जो हॉलीडे चल रहा है उसके बाद आपके लगभग 10-15 तारीख तक जो आपके वेटिंग लिस्ट आ जाएगी हरिद्वार की, तो उनमें जो है आपका नाम भी हो सकता है जिनका यहाँ पर एक एक या दो दो नंबर से रुका हुआ है।